हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय व्लॉग। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इट रियली मीन्स अ लॉट। आज मैं आपके साथ एक वेट लॉस मील शेयर करने जा रही हूँ। आप इसे लंच में या फिर डिनर में भी ले सकते हैं। ये एक कीटोजेनिक मील है, यानी कि इसमें कार्ब्स की मात्रा बहुत ही ज़्यादा कम है, इसलिए ये आपके वेट लॉस में आपकी हेल्प करेगी। और दूसरी बात, ये खाने में बहुत ही ज़्यादा यमी बनता है। तो चलिए फ्रेंड्स, बनाते हैं ये मील। इसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक कटोरी ओट्स के लिए हैं, ये नॉर्मल ओट्स हैं जो मैंने लिए हैं। इसका सबसे पहले हम आटा तैयार करेंगे। अगर आपके पास पहले से ही ओट का आटा है तो आप ये स्टेप स्किप कर सकते हैं। इसे लो मीडियम फ्लेम में तब तक हमें भूनना है जब तक कि इसका कलर लाइट ब्राउन ना हो जाए और इसमें से रोस्टेड फ्रेग्रेंस ना आने लगे। ओट्स का आटा बनाकर आप उसे एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके रख सकते हैं और नेक्स्ट टाइम डायरेक्टली आप ओट्स का आटा यूज़ कर सकते हैं। ओट्स अब रोस्ट हो चुके हैं, इसे थोड़ा सा ठंडा करके मिक्सर ग्राइंडर में डालिए और इसे पीस कर इसका एक फाइन पाउडर बना लीजिए। हमारा ओट्स का आटा अब रेडी है। इसे चाहे तो आप स्टोर करके रख लीजिए और नेक्स्ट टाइम डायरेक्टली ये आटा यूज़ करें। अब हम चलते हैं रेसिपी के नेक्स्ट पार्ट में। इसके लिए मैंने यहाँ पर कद्दूकस किया हुआ एक कटोरी पनीर लिया है। पनीर अगेन इज़ लो इन कार्ब्स एंड हाई इन प्रोटीन्स, तो वेट लॉस के लिए ये एक अच्छा ऑप्शन है। ये दो टमाटर हैं जिसे मैंने छोटे टुकड़ों में काट लिया है और ये दो छोटे प्याज हैं जिसे मैंने चॉप कर लिया है। ये एक शिमला मिर्च है जिसके बीजे निकाल कर उसे मैंने चॉप कर लिया है। कढ़ाई में मैंने एक चम्मच तेल लिया है, इसमें अब मैंने एक चम्मच जीरा डाला है। अब मैं इसमें कटे हुए प्याज डाल रही हूँ। गैस फ्लेम को इस समय मीडियम कर दें। प्याज को हमें एक मिनट के लिए मीडियम फ्लेम में सौटे करना है। अब इसमें कटी हुई शिमला मिर्च डाल दीजिए। इसे मीडियम फ्लेम पर 2 से 3 मिनट के लिए सौटे करें। अब इसमें कटे हुए टमाटर डाल दीजिए और गैस फ्लेम को इस समय लो कर दीजिए। इसे अच्छे तरीके से मिक्स करें। आधी छोटी चम्मच इसमें हल्दी का पाउडर डालिए, आधी छोटी चम्मच इसमें लाल मिर्च का पाउडर डालिए और 1.5 छोटी चम्मच इसमें धनिया पाउडर डालिए। अपने स्वाद के अनुसार इसमें नमक डालिए और इसे अच्छे तरीके से मिक्स करें। इसे धीमी आंच में तब तक पकने दें जब तक कि आपके टमाटर अच्छे से गल ना जाएं। बीच बीच में इसे स्टर करना ना भूलें। टमाटर अब गल चुके हैं, अब इसमें कद्दूकस किया हुआ पनीर डालिए और उसे अच्छे तरीके से मिक्स करें। पनीर की जो ये सब्जी हम बना रहे हैं, ये एक कीटोजेनिक सब्जी है जिसमें कार्ब्स की मात्रा बहुत ही कम है और प्रोटीन्स की मात्रा हाई है। यह आपके वेट लॉस में आपकी हेल्प करेगी। अब इसमें 1 बड़ी चम्मच दूध डाल दीजिए और इसे अच्छे तरीके से मिक्स करें। इसे ढक दीजिए और 1 मिनट के लिए लो फ्लेम में इसे पकने दें। 1 मिनट के बाद गैस फ्लेम को ऑफ कर दीजिए और इसमें 1/2 छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर डाल के इसे अच्छे से मिक्स करें। अब 1 छोटी चम्मच कसूरी मेथी अच्छे से क्रश करके इसमें डाल दीजिए और इसे मिक्स कर लें। हमारी सब्जी अब रेडी है, तो चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। इसके लिए मैंने यहाँ पर मिक्सिंग बोल में ओट्स का आटा लिया है। अब मैं इसमें गर्म पानी थोड़ा थोड़ा करके मिला रही हूँ और एक सॉफ्ट आटा गूंद रही हूँ। ओट्स का आटा ग्लूटेन फ्री होता है, इसलिए हम इसकी रोटी बिल्कुल वैसे ही बनाएंगे जैसे हम कोई भाकरी बनाते हैं। ओट्स का आटा थोड़ा ड्राई होता है, इसलिए इसकी रोटी हमें ध्यान से बनानी पड़ती है। अब हमारा आटा गूंद चुका है, मैंने यहाँ पर एक पेड़ा ले लिया है। अब मैं इसे सूखे आटे की हेल्प से एक गोल रोटी बना रही हूँ। रोटी ज़्यादा पतली ना बनाएं, वरना पकने के बाद वो एकदम पापड़ जैसी बन जाएगी। इतनी मोटाई रोटी की ठीक है। अब गर्म तवे पर रोटी को रख दीजिए और गीले हाथ करके हमें पूरी रोटी के ऊपर थोड़ा सा पानी लगाना है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम किसी भाकरी पे लगाते हैं।
रोटी के ऊपर की लेयर पर मैं अच्छे तरीके से पानी लगा रही हूँ। इस समय गैस को मैंने लो मीडियम फ्लेम पर रखा है। इसे तब तक हमें पकने देना है जब तक कि उसके ऊपर का पानी पूरी तरीके से सूख न जाए। अब रोटी के ऊपर का पानी पूरी तरीके से सूख चुका है, अब मैं इसे पलट दूंगी। अगर आप देखेंगे तो दूसरी साइड पे छोटे छोटे ब्राउन स्पॉट्स भी आ चुके हैं। इसे तब तक इस साइड पे पकने दीजिए जब तक कि दूसरी साइड पर भी हल्के हल्के ब्राउन स्पॉट्स ना आ जाएं। आप चाहें तो रोटी को फिर से पलट के तवे पर ही पका सकते हैं, पर मैं यहाँ पर रोटी को गैस फ्लेम पर डायरेक्टली पका रही हूँ। इसे दोनों साइड पर अच्छी तरह से हमें पकाना है। ओट्स का आटा थोड़ा ड्राई होता है और ग्लूटेन फ्री भी होता है, इसके लिए हमें इसकी रोटी थोड़े ध्यान से बनानी पड़ती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम कोई भाकरी बनाते हैं। अब रोटी पूरी तरीके से पक चुकी है, इसे निकाल कर प्लेट पर रख लें। मैं यहाँ पर रोटी को कट करके चार पार्ट्स में डिवाइड कर रही हूँ। अब रोटी के एक पार्ट पर मैं थोड़ी सी हरे धनिए की चटनी लगा रही हूँ। इसके ऊपर अब पनीर वाली फिलिंग रखिए, थोड़े से कटे हुए प्याज रखिए और हमारा एक पार्ट रेडी हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट पे मैं थोड़ा सा कर्ड लगा रही हूँ, इसके ऊपर भी पनीर वाली फिलिंग रखिए। और थोड़े से कटे हुए प्याज इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दीजिए। आप चाहें तो थोड़ा सा दही इसके ऊपर स्प्रिंकल भी कर सकते हैं। इसी तरह बाकी के दोनों पार्ट्स भी मैं रेडी कर रही हूँ। दोस्तों, ये डिश खाने में बहुत ही ज़्यादा यमी लगती है। आपको लगेगा ही नहीं कि आप कोई वेट लॉस डाइट खा रहे हैं। तो टेस्टी यमी रेसिपी खाते हुए अपना वेट कम करिए और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। प्लीज़ लाइक एंड शेयर माई रेसिपीज़। थैंक यू।